हेलो एवरीवन वेलकम बैक क्लास टेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से गिव साइंटिफिक रीजंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और फर्स्ट थर्टी क्वेश्चंस जो है वो हम लोग ने लास्ट थ्री वीडियोस में पूरे कवर किए हैं ओके ये फोर्थ वीडियो है गिव साइंटिफिक रीजन्स का और इस वीडियो में हम लोग थर्टी से फोर्टी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे और हमारा जो गिव साइंटिफिक रीजन्स का क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो जाएगा ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन माइक्रोबेल एनजाइम्स आर इको फ्रेंडली नाउ नाव डेज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबेल एंजाइम्स आर यूज इन अ केमिकल इंडस्ट्री ओके केमिकल कैटलिस्ट मीन्स क्या हम लोग को पता है वी ऑल नो केमिकल कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट मेक्स केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर ओके ऐसा एक सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को फास्टर करने में हेल्प करता है लेकिन वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ओके okay? उसको बोलते हैं केमिकल कैटलिस्ट ओके सो नाउ डेज इंस्टेड ऑफ दिस कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ओके दिस एंजाइम्स आर एक्टिव एट अ लो टेम्परेचर पीएच एंड प्रेशर ड्यू टू विच द एनर्जी इज अ सेव्ड एंड एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी ओके okay, जब हम केमिकल कैटलीस यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर पीएच, प्रेशर और स्पेशली जो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब पैरामीटर्स हम लोग को कंसिडर करने पड़ते हैं लेकिन जब हम माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो ये जो एंजाइम्स है वो लो टेम्परेचर पीएच और प्रेशर पे भी एक्टिव रहते हैं और इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ठीक है एन्ज़ाइम्स कैरी आउट द स्पेसिफिक प्रोसेस हैंज द अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू विच द एक्सपेंस ऑन प्योरीफिकेशंस आर मिनिमाइज केमिकल कैटेलिसिस प्रोसेस में जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बनता है सो डिज़ायर प्रोडक्ट में जो बायो प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए उसको मिनिमाइज करने के लिए प्योरीफिकेशन करता करना पड़ता है लेकिन जब हम माइक्रोबेल एंजाइम्स की वजह से एंजाइम्स से जब ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं बनते ओके इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट मटीरियल इज अवॉयडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज ओके जो माइक्रोबियल एनजाइम्स है उसको हम फिर से यूज करते हैं सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली नेक्स्ट इज अ बायो फ्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इसका आंसर है बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज बायोमास इंक्लूडिंग प्लांट मटेरियल एंड एनिमल वेस्ट ओके बायोफ्यूल्स कैसे प्रोड्यूस uh, किए जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर से जिसको बायोमास बोला जाता है उसमें क्या क्या आता है तो प्लांट मटेरियल हो सकते हैं या फिर एनिमल वेस्ट भी हो सकता है ठीक है बायोफ्यूल इज़ इंपॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन अ सॉलिड सॉलिड में कौन से है तो कोल्ड डंग एंड क्रॉप रेसिड्यू लिक्विड में है वेजिटेबल ऑयल एंड अल्कोहल एंड गैशेस में है गोबर गैस कोल्ड गैस ओके दिस फ्यूल्स आर इजिल अवेलेबल एंड इन अ प्लेंटी ऑफ क्वान्टिटी ओके ये इजीली अवेलेबल होते हैं और उनकी क्वान्टिटी भी ज़्यादा है ओके बायो फ्यूल्स आर रीन्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ लेस दैन वन ईयर फॉर दोज बेस्ड ऑन अ क्रॉप क्रॉप रेसिड्यूज एन अनीमल वेस्ट और अबाउट थर्टी फाइव ईयर्स फॉर दोस्ड ऑन अ फॉरेस्ट रेसिड्यूज एज कम्पेयर टू द हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉस्टल फ्यूल्स ओके जो फॉसल्स है फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको बनने में बहुत सारे ईयर्स लगते हैं लाइक हंड्रेड ऑफ मिलियंस ईयर्स ओके लेकिन जो बायो फ्यूल्स है ओके okay, सर so जो क्रॉप क्रॉप रेस्टिड्यू या फिर एनिमल वेस्ट पर जो बेस है वो लेस देन वन ईयर में बन जाते हैं और जो फॉरेस्ट रेसिड्यू से बनते हैं उसको अबाउट थर्टी फाइव ईयर्स लगते हैं ओके सो एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स बायोफ्यूल बनने में जो टाइम लगता है वो कम है ओके हैं बायो फ्यूल इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल इन अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडफिल पिट इज लाइन विद द प्लास्टिक शीट्स अ लैंडफिल साइट ऑल्सो नोन एज अ टीप डम्प रबीज डम्प गार्बेज डम्प और डंपिंग ग्राउंड इज अ साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ़ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को जहाँ पे डिस्पोज किया जाता है लाइक अ डंपिंग ग्राउंड ओके उसको ही बोलते हैं लैंडफिल साइट द डिग्रेडेबल वेस्ट बिंग अक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरिया इज यूज फॉर दिस परपज ओके ऐसा जो वेस्ट मटेरियल, जो डिग्रेड हो सकता है ओके okay? सो so ऐसा जो वेस्ट मटीरियल है वो अर्बन एरिया में अर्बन एरिया में ऐसा जो डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है वो इस परपज के लिए यूज़ किया जाता है द लार्ज पिट आर डग इन ओपन स्पेसिस फार अवे फ्राम द रेडेंटल एरिया एंड दोज पिट्स आर लाइन विद द प्लास्टिक शीट्स एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द पोल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटीरियल्स ओके सो क्या किया जाता है लार्ज पिट मतलब एक बड़ा सा एक गड्ढा बनाया जाता है फार फ्राम द रेजिडेंटल एरिया ओके और उसमें ये जो वेस्ट मटेरियल है वो डाला जाता है फिर उसको प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है अब ये प्लास्टिक शीट क्यों यूज़ करते हैं तो एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द पोल्यूशन ऑफ सॉइल डूड द लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटीरियल ओके वो जो मटीरियल हम लोग ने डाला है वो जब उसका जब डिकम्पोजिशन चालू होगा तो उससे कुछ जो टॉक्सिक या हार्मफुल मटीरियल बनेगा उससे पोल्यूशन ना हो इसीलिए उसको प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है ओके सो दैट्स वाई द लैंड फिल्प इट इज लाइन विद द प्लास्टिक शीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ सी ऑयल स्पिल्स स्पीलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजन ओके जब पेट्रोलियम ऑयल का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है तो कभी कभी वो स्पील हो जाता है ओशन में ओके okay? दिस ऑयल में प्रू फर्टाइल एंड टॉक्सिक टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ओके सो ये जो ऑयल है वो अक्वैटिक ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक है इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम सर्फेस ऑफ वाटर बाय केमिक बाय मेकेनिकल मेथड ओके जो ये ऑयल लेयर है वाटर सर्फेस पे उसको मेकेनिकली हम लोग ईजीली रिमूव नहीं कर सकते हावे वो बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास एंड अल्कैनो

वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ़ मेन क्रॉप ओके जब क्रॉप पर वीड आती है तो वो क्रॉप को खराब कर देती है क्रॉप की ग्रोथ को कम करती है इफ़ हॉबिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वेड्स इट अफेक्ट अन क्रॉप टू ओके उस वीड को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए जब हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं तो वीड के साथ साथ वो मेन क्रॉप को भी अफेक्ट करती है ड्यू टू दिस हॉबिसाइड टोलर प्लान या फिर वेड कंट्रोल प्लान्टेवलप्ड ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द विड्स ओके सो ऐसे प्लाट्स बनाए गए हैं डेवलप किए गए हैं जो विड को सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करेंगे और उसकी वजह से जो मेन क्रॉप है उस पर कुछ अफेक्ट नहीं होगा ओके हिन्स वेड कंट्रोल प्लाट्स आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मेड वैक्सीन्स आर सेफ वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू द अक्वायर आई द परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजेन और डिजीज वैक्सीन क्या है तो एक प्रकार का एंटीजन है जिसमें जो मटेरियल होता है वो स्पेसिफिक डिजीज उसके अगेंस्ट परमानेंट या फिर टेम्पररी इम्यूनिटी को डेवलप करता है जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है ओके ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वेयर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस पैथोजेंस मतलब एनी वायरसेस बैक्टीरिया और फंगाए जो जिसकी वजह से डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं पैथोजेंस ओके कंप्लीटली और पार्शली किल पैथोजेंस वे यूज एज अ वैक्सीन पहले क्या करते थे ये जो पैथोजेंस है जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो रहा है उस पैथोजेंस को तो या फिर तो वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया होगा उसको एक तो पार्शियली किल करते थे नहीं तो पूरा कंप्लीट करके उससे एज अ वैक्सीन एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता था मतलब वो बॉडी में इंजेक्ट करते थे सो so बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीजन प्रिपेयर हो या फिर एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो ओके okay?

करने के लिए ट्राई किया फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन अ लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन अभी जीन आइसोलेटेड फ्राम द पैथोजन मतलब क्या तो जिस पैथोजन से डिजीज हुआ है उस पैथोजन का जीन बाहर निकाल के उससे एंटीजन बनाने का लेबोरेटरी में ओके दज द सेफर वैक्सीन सर बींग प्रोड्यूस ओके सो ये जो मेथड यूज करते हैं जीन आइसोलेशन की उसकी वजह से अभी जो वैक्सीन बन रहे हैं वो सेफ है कंसेप्ट ऑफ बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन हैव कम फॉरवर्ड ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर द डेथ एज पर द ट्रेडिशनल कस्टम ओके ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं तो जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी को हम लोग ऐसे डिस्पोज कर देते हैं हाव एवर ड्यू डू द प्रोग्रेस इन साइंस इट हैज़ बीन रियलाइज दैट मीनी ऑर्गन्स रिमेन फंक्शनल फॉर सर्टन पीरियड इवन आफ्टर डेथ ऑकर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लेकिन जैसे जैसे साइंस में प्रोग्रेस होता गया ये पता चला कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो डेथ के बाद भी सर्टन टाइम पीरियड के लिए अपना फंक्शन करते रहते हैं लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी सेव बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन ओके सो ऐसे ऑर्गन को हम लोग जब डोनेट करते हैं तो बहुत सारे लोगों की लाइफ है वो सेव हो सकती है ओके फॉर एक्जाम्पल द ब्लाइंड कैन रिगेन द विजन ओके लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाई डोनेशन ऑफ ऑर्गन लाइक लीवर किडनी हार्ट हार्ट वॉल्व स्किन एक्सेट्रा ओके okay, ब्लाइंड जो है उसको हम आंखें दे सकते हैं या फिर जो बर्न पेशेंट होते हैं उनको हम लोग स्किन डोनेट कर सकते हैं ओके सो सिमिलरली द बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च एंड मेडिकल स्टडीज़ ओके मेडिकल स्टडीज और रिसर्च के लिए भी हम लोग बॉडी डोनेशन कर सकते हैं हिन्स द कंसेप्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन हैव इमर्ज रिसेंटली आफ्टर रियलाइजेशन दैट सच ऑर्गन कैन बी यूज टू सेव द लाइफ ऑफ अदर नीडफुल पर्सनस नेक्स्ट इज स्टेम सेल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन रीजनरेटिव थेरेपी ओके री जनरेटिव थेरेपी मतलब क्या सो ऐसी थेरेपी विच इज़ यूज टू रीग्रो रिपेयर और रिप्लेस द डैमेज और डिजीज सेल्स ऑर्गन या फिर टिशू ऐसी थेरेपी जो एक तो रीग्रो करने के लिए रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए किसको तो सेल ऑर्गन या फिर टिशू को यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं रीजनरेटिव थेरेपी ओके स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओके मल्टी सेलुलर के बॉडी में जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स दिस सेल गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के सेल्स हैं ओके उन सेल को प्रोड्यूस करने का काम ये स्टेम सेल्स करते हैं स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन द केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अल्जाइमर्स डिजीज एंड पार्किसन्स डिजीज एक्सेट्रा ओके डायबिटीज तो आपको पता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन्स हार्ट अटैक अल्जाइमर डिजीज मतलब जिसमें मेमोरी लॉस होता है अल्जाइमर एंड बाकिन डिजीज़ मतलब ये जो सी एन एस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजॉर्डर्स से जिसमें जो हम लोग मोमेंट करते हैं उस मोमेंट पे अफेक्ट होता है ओके okay, सो so ये जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ के वजह से जो सेल्स है डेड हो जाते हैं तो उन डेड सेल को रिप्लेस करने का काम स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स करते हैं ओके एंड टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल रिक्वायर्ड इन अ कंडीशन लाइक एनीमिया, थैलेसेमिया एंड लोकेमिया अभी एनीमिया थैलेसेमिया एंड लोकेमिया ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है और उसमें क्या होता है तो ब्लड सेल्स है वो कम हो जाते हैं तो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम स्टेम सेल्स करते हैं ओके हैज द स्टेम सेल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन रिजनरेटिव थेरापीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवियस शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन द रिवर विदाउट ट्रीटमेंट ओके सीवेज इज अ रीच इन ऑर्गेनिक मैटर इफ सचस रिलीज इन अचुरल वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर द ऑर्गेनिक मैटर इन इट गेट डिजोल्व गेट ऑक्सीडाइज विद देल्प ऑफ डिजोल ऑक्सीजन ओके सीवेज में ऑर्गेनिक मोटर मैटर होता है और जब इसी सीवेज को हम लोग नेचुरल बॉडीज में जैसे कि रिवर में रिलीज करते हैं तो जो वाटर में जो तो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसकी हेल्प से ये ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाता है ओके okay, due to दिस the लेवल ऑफ dissolved ऑक्सीजन इन द water decreases एडवर्सली affecting द aquatic लाइफ इसकी वजह से क्या होता है तो वाटर में जो डिजॉल ऑक्सीजन है उसकी लेवल कम होती जाती है और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो अक्वाटिक लाइफ पे होता है देयर फॉर दीवे शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन द रिवर विदाउट ट्रीटमेंट नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बेनिफिशियल टू फार्मर्स Okay, gm crops have the ability to withstand environmental stress some naturally occurring varieties cannot withstand environmental stress like frequently changing temperature wet and dry famines changing climate etc however gm crops can grow in any of such adverse conditions. okay so natural occurring crops are un crops grow changing temperature wet and dry famines ya changing climate इसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है वो उसमें ग्रो नहीं हो पाते है। लेकिन जो जी एम क्रॉप्स हैं मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उन पर इन्वायॉर्मेंटल स्ट्रेस का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में भी ग्रो कर सकते हैं एज अ जी एम क्रॉप्स आर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस केमिकल वेडिसाइड्स एक्सेट्रा यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक अ पेस्टिसाइड्स कैन बी अवॉइडेड ओके जी एम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में एक एक कैरेक्टर होता है एक एबिलिटी होती है वो uh, जो इंसेक्ट या फिर पैथोजेंस है उसके रेजिस्टेंस होते हैं ओके okay? सो so जो पैथोजें वगैरह को किल करने के लिए हम लोग जो हार्मफुल केमिकल यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ओके एंड ड्यू टू द यूज ऑफ सीड्स ऑफ जी एम क्रॉप देर इज अम्प्रूवमेंट इन अ अटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन अ लॉस ऑफ क्रॉप ओके सो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बेनिफिशियल टू फार्मर्स नेक्स्ट इज सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर प्रीशियस वेरियस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी बिकम्स लेस एफिशेंट और कम्प्लीटली फंक्शन लेस ड्यू टू द वेरियस रीजन लाइक एजिंग एक्सीडेंट इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा ओके हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एज की वजह से या फिर एक्सीडेंट इन्फेक्शन और किसी डिसऑर्डर की वजह से फंक्शन लेस हो जाते हैं ओके लाइफ ऑफ सच अ पर्सन बिकम डिफिकल्ट और द फर्टैलिटी मे ऑकर ओके सो ऐसे पर्सन की लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है मेनी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी रिबन फंक्शन फॉर सर्टन पीरियड इवन आफ्टर डेथ ऑकर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन जैसे हम लोग ने पहले देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो डेथ के बाद भी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना फंक्शन करते हैं ओके दिस ऑर्गन्स कैन भी ट्रांसप्लांटेड ऑन अ डोनेशन ओके सो ऐसे जो ऑर्गन है उसको हम डोनेट कर सकते हैं एंड सर्टन ऑर्गन्स लाइक हार्ट किडनी आई लिवर हार्ट वॉल्स कीन एक्सेट्रा आर प्रीशियस नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ वट इज स्कूल चिल्ड्रेन हैव टू डील विद द मेंटल स्ट्रेस ओके दीज इज द चिल्ड्रेस टे इन द न्यूक्र फैमिलीज विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स मदर ऑफ द हाउस इज ऑल्सो अवे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस मेक्स द चिल्ड्रेन अलोन इन द हाउस क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है ओके मॉम डैड और उनके बच्चे ऐसे है, रहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नह, नहीं रहते ओके okay? एंड मदर ऑफ़ द हाउस इज़ ऑल्सो अवे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के मॉम डैड दोनों भी जॉब करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए घर से बहुत दूर रहते हैं ओके एंड दिस मेक्स द चिल्ड्रेन अलोन इन द हाउस इसकी वजह से क्या होता है उस चिल वो चिल्ड्रेन है वो अलोन फील करता है एट द स्कूल एंड ड्यूरिंग द स्टडीज देर इज अ कॉम्पिटिशन एंड इन सिक्योरिटी ओके स्कूल में भी बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गई है ओके तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स आर ड्यूरिंग द

mental stress. Next is the importance of the outdoor sports is incomparable. There are various benefits of sport like like it causes the physical exercise, improves the discipline, interaction and tendency of unity, loneliness is driven away and the person becomes more social. Hence the importance of outdoor sports is incomparable. Alcoholism is always bad.

ंडर अल्कोहलिजम एंड देिटी टू मेमोराइजेशन एंड लर्निंग बिकम स्लो अल्कोहलिज्म से क्या होता है तो जो मेमोराइजेशन या फिर लर्निंग एबिलिटी है वह धीरे धीरे कम होती जाती है अडक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली ड्यू टू दिज द पर्सन हैजू फेस द सोशल मेंटल एंडियल इल्नेस अलॉन्ग विद द फिजिकल इल्नेस हेंस द अल्कोहलिज्म इज ऑलवेज बैड ओके okay, सो so ये साइंसिव साइंटिफिक रीजन्स का लास्ट क्वेश्चन था गिव साइंटिफिक रीजन्स का क्वेश्चन हम लोग का पूरा खत्म हो गया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू क्वेश्चन चालू करेंगे ओके okay, सो so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल